क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स दे इन द फिगर 7.2 नहीं फिगर नंबर 7.21 एसी इक्वल द ए, एसी लाइन है हमारी ये वाली जो लाइन है एसी, ये वाली लाइन ये किसके इक्वल दिया है, ये दिया हमारे ए ई लाइन के, इसके इक्वल दिया है। फिर हमें दिया है कि जो ए बी लाइन है ए बी लाइन इक्वल ए डी, ए बी लाइन किसके इक्वल है हमारा ए डी लाइन के इक्वल है। फिर हमें दिया है कि एंगल ए बी ए डी, बी ए डी ये वाला एंगल, और जो हमारा दिया है डी ई ए सी, ई ए सी ये वाला एंगल। तो ये हम इसमें क्वेश्चंस में दिया है, हमें शो करना है कि जो बी सी इक्वल डी सी, जो बी सी है ये वाली एंगल, ये वाली जो बी सी लाइन है ये इक्वल हमें शो करना है डी सी। ये तब हो जाएगी, ये तब हमारी इक्वल्स होगी यदि हमने टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेट्स कर दिए। तो हम इसमें कहते हैं कि हमें इसमें क्वेश्चंस में हमें क्या दिया है और हमें हम क्या जानते हैं, इसमें कहते हैं कि हम वी नो दैट, वी नो दैट हमें दिया है कि इसमें बी, इसमें दिया है कि हमारा बी ए डी, ये वाली बी ए डी, ये वाली एंगल बी ए डी और किसके के इक्वल दिया है, ये हमें दिया है ई ए सी के, एंगल ई ए सी। तो ई ए सी कैसे, ये वाला ई ए सी ये वाला एंगल है, तो ये हमें इसके इक्वल इक्वल इसमें दिया है। अब हमें जो बी ए सी, यदि इसमें बी ए सी में हमारे डी ए सी ये वाला भी मिला दे तो ये क्या बन जाएगा, बी ए सी बन जाएगा पूरा का पूरा, ये बी ए सी पूरा पूरा ट्रायंगल बन जाएगा। और यदि हमने इसमें सॉरी ए ई सी में ये वाले और ये वाले इसमें जोड़ दे तो डी ए सी हम दोनों एंगल में जोड़ देंगे तो एक बन जाएगा हमारा ए बी सी और एक बन जाएगा हमारा ए डी ई, तो ए डी हमारे टू ट्रायंगल्स बन जाएंगे और उसको कॉन्ग्रेट्स कर देंगे। तो हम इन दोनों में करेंगे एंगल बी ए डी, इसमें हमने जोड़ दिया एंगल डी ए सी, फिर इक्वल करेंगे एंगल ई ए सी, इसमें भी क्या जोड़ देंगे एंगल डी ए सी। अब जो ये दोनों एंगल मिलकर क्या बने, तो ये हमारा बी ए सी और हमारे क्या थे डी ए सी, दोनों मिलकर क्या बन गए, ये बना हमारा बी ए सी। तो ये क्या ट्रायंगल्स बन गया, ट्रायंगल ये बन गया बी ए सी, ये ट्रायंगल्स बन गया, या आप इसको क्या बोल सकते हैं ए बी सी, दोनों ही तरह से आप कर सकते हो। तो ये मेरे का ए बी सी और फिर क्या बन गया एंड, और कौन सा बन गया, ये बन गया हमारा एंड ट्रायंगल ए डी ई। अब हम इन्हें दोनों को क्या करना पड़ेगा, इसके हम कॉन्क्रीट एक तो ये वाला और एक ही डी ए सी ये वाला, इन दोनों को कॉन्क्रीट कर लेंगे। इन दोनों को कॉन्ग्रेट करने के लिए हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। तो इसमें हमारे पास है ए बी, ए बी लाइन ये वाली जो लाइन है ये ए बी, ए बी किसके इक्वल दिया है हमारे ए डी के लिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी इक्वल ए डी, तो ये किसमें दिया है हमारे गिवन दिया गया है। फिर हमारा इसमें एंगल दिया है हमारा बी ए, कौन कौन सा दिया है हमारा बी ए डी, तो बी ए डी ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल बी ए डी, और इसमें क्या दिया है हमें, इसमें किस क्या जोड़ देंगे, इसमें डी ए सी एंगल ई ए सी ये जोड़ दें, तो ये हमारे ये भी इक्वल दिया है, ये भी हमें किस में दिया है गिवन दिया गया। एक हमें साइड दिया है ए सी, कौन सी वाली दिया है हमारे इसमें ए सी ये वाली, और हमें दिया ए ई ये वाली, तो इसमें कर देंगे हम ए सी इक्वल ए ई के, तो ये भी हमें गिवन। अब हमने कॉन्ग्रेट्स कर दिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल हैंस ट्रायंगल ए, अब इसमें क्या कर सकते हैं ट्रायंगल कर देंगे ए बी सी कॉन्ग्रेट्स, ये होगा हमारा ये इसमें हो जाएगा ट्रायंगल ए डी ई, तो ए डी ये हमारे ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रेट्स करते हैं किसके द्वारा, किस कंडीशन के द्वारा, एस ए एस, एस ए एस का मतलब साइड एंगल साइड। तो ये क्या होगा, ये हमारी साइड है, ये हमारे एंगल है और ये भी हमारी साइड्स है, तो तीन से हमने इसमें कॉन्ग्रेट्स कर दिया। जब हमने ये दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रेट कर दिया तो अभी क्या हो जाएगी कि जो बी सी जो हमें ये प्रूव करना है, तो बी सी क्या हो जाएगी, बी सी डी डी के इक्वल हो जाएगी, तो हैंस बी सी इक्वल डी ई, और किसके अकॉर्डिंग, किस रीजन का अकॉर्डिंग, सी पी सी टी के अकॉर्डिंग।
ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।